यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वाटोड़ा थाना अंतर्गत एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक अंधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान नरेंद्र धनराज वांड्रे बताया जा रहा है। आरोपी वाटोड़ा निवासी बताया जा रहा है। अदालत ने आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित बच्ची के माता पिता मजदूर है, वह किराए के घर में परिवार के साथ रहता है। वही आरोपी भी अपनी मां के साथ उसी घर में रहती है। बीते गुरुवार को बच्ची के माता पिता काम पर गए हुए थे, वही वह अपनी दादी के साथ घर में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी वहां आया और बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ लेकर गया। आरोपी बच्ची को लेकर बाथरूम में गया और उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची के चीखने की आवाज सुन मकान मालिक बाहर निकला, जहां उसने आरोपी को निकलते ही देखा। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी बच्ची के परिजनों को दी। इसके बाद वह थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। उपराजधानी के समय महिलाओं और बच्चियों के लिए बेहद सुरक्षित शहर माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें बदलाव होते दिखाई दे रहा है। शहर में आधी आबादी से जुड़े हुए अपराधों में लगातार वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। मां के साथ सो रहे 5 महीने के बच्चे का अपहरण, पुलिस खोजबीन में लगी। शहर में इस समय बच्चा बिक्री के कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस लगातार ऐसी टोलियों पर कार्रवाई कर रही है। इस बीच मां के साथ मोमिनपुरा स्थित जामा मस्जिद के पास फुटपाथ पर सो रहे 5 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। इस मामले में एक सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। यह वाकया शुक्रवार सुबह 5 से 5:30 बजे के करीब हुई। पुलिस ने पीड़ित मां की शिकायत पर परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला का नाम रिहाना परवीन वसीम अंसारी है। कुछ सालों पहले वह अपने पति वसीम अंसारी मोमिनपुरा परिसर में ही रहते हैं और शराब पीने के आदि है। परिवार से अनबन के चलते ही पति पत्नी चारों बच्चों को लेकर सैलानी बुलढाणा चले गए थे। वहां पर वसीम अंसारी एक लॉन्ज में साफ सफाई का काम करता था। गुरुवार को रिहाना का पति वसीम के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और इसी झगड़े में वह अपने चारों बच्चों को साथ में लेकर ट्रेन से नागपुर पहुंच गई। नागपुर पहुंचने के बाद वह पैदल मोमिनपुरा पहुंची, जहां जामा मस्जिद के पास एक कपड़े की दुकान के सामने फुटपाथ पर वह अपने चारों बच्चों को लेकर सो गई थी। सुबह करीब 4:30 बजे के दरमियान छोटे बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसे नींद लग गई। सुबह 5 बजे जब उसने उठकर देखा तो उसका 5 महीने का मासूम आवेश नामक बच्चा गायब दिखा। तुरंत आसपास में छानबीन करने के बाद यह महिला अपने तीनों बच्चों को साथ में लेकर तहसील पुलिस थाने पहुंची और इस घटना की जानकारी दी। 3 बच्चे को किसी ने लिया गोद। मिली जानकारी के अनुसार महिला के 8 बच्चे थे, जिसमें से 3 बच्चों को अन्य परिवारों ने गोद लिया है। वही 1 बच्चे की मौत हो चुकी है। छोटे बच्चे के गायब होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। तहसील पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस इस मामले में आसपास के परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि अज्ञात आरोपी का पता लगाकर इस मामले का पर्दाफाश किया जा सके। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ठेकेदार ने घर का काम किया बंद, पूछने पर हुआ विवाद, आरोपियों ने चाकू से किया हमला, 2 गंभीर। ठेकेदार ने अचानक घर का काम बंद कर दिया। वही इसको लेकर जब घर के मालिक इसको लेकर ठेकेदार से मिलने के लिए गए तो विवाद हो गया। विवाद गाली गलौज और हाथपाई तक पहुंच गई। इस दौरान आरोपियों ने घर से चाकू लाया और हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोग
गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों महेंद्र सिंह सोरेन सिंह लोहिया उम्र 30 वर्ष और गुरविंदर सिंह को इलाज के लिए मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों राहुल गुरवे और उसके भाई बूंदी गुरवे निवासी के धम्मदीप नगर निवासी के खिलाफ मामला दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार फरियादी महेंद्र सिंह ने अपने घर में टाइल्स का काम करने के लिए आरोपी राहुल को ठेका दिया था। हालांकि इस बीच में ही राहुल ने काम बंद कर दिया। इस दौरान पीड़ित ने उसे पूरे पैसे भी दे दिए थे। वही काम बंद करने को लेकर लगातार राहुल को फोन कर रहे थे, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था। बुधवार को पीड़ित अपने भाई और कुछ लोगों को लेकर आरोपी राहुल के घर पहुंचा। इस दौरान आरोपी उसका भाई और कई लोग वहां मौजूद थे। इस दौरान महेंद्र सिंह ने आरोपी राहुल को काम बंद करने को लेकर सवाल किया, जिस पर राहुल से काम करने से सीधा इनकार कर दिया। वही इसको लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। तभी आरोपी राहुल ने गाली गलौज करते हुए सभी को वहां से निकलने को कहा। इसको लेकर मारपीट शुरू हो गई। तभी आरोपी राहुल के छोटे भाई और आरोपी बूंदी ने घर के अंदर ऐसे चाकू लाया और फरियादी के चचेरे भाई पर हमला कर दिया। आरोपी ने उसके पेट और हाथ पर कई वार किए। वही आरोपी राहुल ने चाकू लेकर फरियादी पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही यशोधरा नगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए मेयो अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।